आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का CCA/DR लेक्चरर चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज लेकर के आपके लिए उपस्थित हुआ हूँ, और वो न्यूज ये है, आपको दिखा दूं कि कौन सी न्यूज है। देखते रहे हैं आप जैसे कि टाइम टेबल 2022-23 BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom सभी के टाइम टेबल का दौर चल रहा है। अभी आपके टाइम टेबल का दौर चल रहा है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल आपके आज आया है। यानी आप के वैसे अपन ने इससे पहले जैसे मान लो MLSU का जो टाइम टेबल था वो अपन ने देखा, MLSU के एग्जाम चल रहे हैं। इसी प्रकार राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो टाइम टेबल हमने देखा, और राजस्थान यूनिवर्सिटी के टाइम टेबल के अनुसार भी 16 मार्च से जो एग्जाम्स है वो शुरू हो गई है। आपने अगर मान लो आपका आपने यदि आपका प्रवेश पत्र यदि नहीं लिया है तो प्रवेश पत्र आप ले सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर के जब आप स्टूडेंट कॉर्नर में जाएंगे तो वहां पर एक एग्जामिनेशन का मॉड्यूल मिलता है। वहां एग्जामिनेशन को जब आप क्लिक करेंगे तो एग्जामिनेशन क्लिक में आपको वहां पर टाइम टेबल का मॉड्यूल शो होता है। टाइम टेबल इसके अलावा वहां पर आपको यानी एडमिट कार्ड का मॉड्यूल भी शो होता है। वहां जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपने डिटेल्स भर के, यानी डिटेल्स में आपको जैसे मान लो वहां पर आपका जो फॉर्म नंबर है वो पूछा जा सकता है। फॉर्म नंबर याद नहीं है तो वहां पर आपके लिए जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो फॉर्म भरा था उस समय, वो आपसे पूछा जा सकता है। उसके आधार पर भी आप जो है अपनी सूचना है वो देख सकते हैं और वो भर सकते हैं। बात यह है कि जैसे मान लो आपको अब तैयारी करने के लिए टाइम थोड़ा ही रहा है। वैसे अपने यहाँ पर जो है कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है आ गया है और आज कौन सी यूनिवर्सिटी का आया है, इसकी बात करेंगे आज। जो यानी जैसे मान लो बात करूं मैं आपके ब्रज की, तो ब्रज यूनिवर्सिटी का आज जो है इसमें टाइम टेबल शो नहीं हो रहा है। MGSU की बहुत सारे विद्यार्थी कई समय से जो है कर रहे हैं कि भाई आया कि नहीं आया। JNU की बात करूं, JNVU की, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, तो उनका टाइम टेबल आज आ गया है। टाइम टेबल आज क्या 2-3 दिन पहले ही आ गया था, शायद आपने देखा होगा 14-15 तारीख को ही आ गया होगा। और मैं आपको बता दूं कि आपके टाइम टेबल क्या है, कैसे रहा है। तो MGSU का थोड़ा सा बता दूं, बाद में हम बात करेंगे दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में भी बात करेंगे। तो जैसे मान लो ये आपका टाइम टेबल देखिए, ये आपका टाइम टेबल है आपके, देखिए जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर, और ये आपके जो सूचना है जैसे इसमें रेगुलर प्राइवेट एक्स स्टूडेंट और जिनके ड्यू सब्जेक्ट रहा है उनके, और एडिशनल इन सभी के हैं। और आपके जैसे ये फर्स्ट ईयर का है, बीए फर्स्ट ईयर का है, ये बीए फर्स्ट ईयर का है, और उसकी शुरुआत हुई आपके अप्रैल 5 अप्रैल से आपके शुरू हो रही है। सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, 3 बजे से 6 बजे तक की परीक्षा है, 3 बजे से 6 बजे तक। आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपके अपलोड किया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस का है। इसके बाद जैसे 5 के बाद 8 अप्रैल को है पॉलिटिकल साइंस सेकंड, पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर है पॉलिटिकल थ्योरी, जो आपके राजनीतिक सिद्धांत है, ये आपको पढ़ाया जा चुका है, आप इसके वीडियोस देख सकते हैं। 8 अप्रैल को है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यानी भारत सरकार और पॉलिटिक्स यानी जो राजनीति, इससे संबंधित है पेपर। इसके बाद 11 अप्रैल को आपके इलेक्टिव इंग्लिश का पेपर है, जिसमें प्रोज एंड फिक्शन है, फर्स्ट पेपर है आपके। और इसके बाद सेकंड पेपर है 13 को, यानी गैप बहुत ही कम है। इसी प्रकार सारे जो टाइम टेबल है वो आए हुए हैं। बात करूं मैं आपके अगले जैसे बीए सेकंड ईयर की, तो बीए सेकंड ईयर का टाइम टेबल जो है वो कब शुरू हो रहा है, देखिए बीए सेकंड ईयर का टाइम टेबल भी जल्दी ही शुरू हो रहा है, जिसमें देखिए इसमें 6 अप्रैल दिया हुआ है, और 6 अप्रैल में सबसे पहले मैथमेटिक्स का टाइम टेबल दिया हुआ है। उसके बाद में 8 अप्रैल को आपके हिंदी साहित्य का दिया हुआ है, और हिंदी साहित्य में आपका पेपर है हिंदी नाटक निबंध तथा स्पुट गद्य विधाएं, ये पेपर है। इसके बाद मैथमेटिक्स सेकंड है, उसके बाद हिंदी साहित्य सेकंड पेपर है, जिसमें हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास है। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आपके जो पेपर है वो होना है हिंदी का। और बीए सेकंड ईयर
के जैसे मान लो 13 तारीख को आपके मैथमेटिक्स है और 17 तारीख को आपके सोशल एंथ्रोपोलॉजी है, इसके बाद 21 तारीख को आपके सोशियोलॉजी का पेपर होना है, सोशियोलॉजी का 21 तारीख को होना है। इसी प्रकार हिस्ट्री का पेपर 25 को होना है, हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1760 AD, जो ये आपके पढ़ाया जा चुका है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद सीधा ही देखिए 25 के बाद 2 ही दिन बाद 27 तारीख को सेकेंड है वर्ल्ड हिस्ट्री फ्रॉम 15th सेंचुरी टू 1945, यानी विश्व इतिहास, यानी 15वीं शताब्दी से लेकर के 1945 तक विश्व इतिहास, दूसरा पेपर जो आपके हैं। इसके बाद है इलेक्टिव इंग्लिश, यानी इंग्लिश लिटरेचर का है, उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर सेकंड है, फिर इकोनॉमिक्स का पेपर आना है, और फिर यहां पर देखिए आपके एक पेपर है 7 बजे से भी है। यहां पर आपके जैसे मान लो पेपर की जो शुरुआत है, आपका जो समय है वो 7 से 10 का है, बीए सेकंड ईयर का समय है, वो 7 बजे से 10 बजे का रखा गया है। और आपके इसमें देखिए जैसे आपके इसका पेपर है मई में, 9 मई को आपके एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कंप्यूटर जो पेपर है उसका पेपर होना है, ओनली फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। एक आपके जिस जिनका मतलब ड्यू रह गया है पहले, उनका है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट का है, आपके मई में ही है, कंपेरेटिव गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स ये पढ़ाई हुई है आपको, रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल थिंकर्स ये भी आपको पढ़ाया हुआ है, इसमें भी आप देख सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। इसके अलावा 20 मई को है आपको जैसे इंडियन म्यूजिक का वगैरह का है, और भी बहुत सारे हैं। जैसे यहाँ पर फिर बात आ जाती है, देखिए 7 से 10 तक का ही है टाइम, और इसके अलावा जैसे उर्दू साहित्य का पेपर है, और इसके अलावा देखिए आपके ज्योग्राफी का पेपर आ जाता है, आपके 5 जून को आ जाता है, और ज्योग्राफी सेकंड पेपर 7 जून को आ जाता है। इसी प्रकार जैसे फाइन आर्ट ये अलग है, और संस्कृत का पेपर आ जाता है आपके यानी लगभग 12 जून को। तो इस प्रकार आपके जो पेपर है वो होने हैं। तो अब मैं अगली यूनिवर्सिटी का बात करता हूँ कि उनके क्या अपडेट हैं। अगली जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, जैसे मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो एमडीएसयू के हैं, और एमडीएसयू के लिए अभी जो है आज दिनांक तक मैंने अभी अभी जस्ट चेक किया है, उसमें कोई अपडेट आया हुआ नहीं है, यानी आपके एमए के तो एग्जाम चल रहे हैं, एमए एमएससी उनके एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन ग्रेजुएशन से संबंधित, बीए से संबंधित कोई अभी तक सूचना आज दिनांक तक तो नहीं है, कल होगी तो मैं जस्ट ही बताने का प्रयास करूंगा। इसी प्रकार यदि बात करूं आपके एमजीएसयू की, तो एमजीएसयू पर भी मैंने अभी देखा है इस प्रकार का कोई लेटेस्ट न्यूज अभी तक तो मुझे मिली नहीं है। अगर जैसे मान लो मेरा वीडियो बंद करते ही मान लो कहीं सूचना डाल दी जाए तो बात अलग है, बाकी अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। इसी प्रकार मैं बात करूं आपके इसकी ब्रिज यूनिवर्सिटी की, या उनकी भी अभी तक मेरे पास कोई सूचना नहीं आई है। और भी बहुत सारे जितने भी हैं, जैसे जीजीटीयू की बात करूं, तो आपको करना क्या है, आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के और विजिट करते रहना है, डेली आप चेक करते रहें, क्योंकि आपका टाइम टेबल जो है अब निश्चित रूप से, लेकिन एक बात बता दूं आपको कि 31 मार्च से पहले पहले आप सभी के टाइम टेबल जारी हो जाएंगे, जहां तक मेरा अनुभव है, जहां तक मेरा अनुमान है, 31 मार्च से पहले पहले आपके टाइम टेबल जरूर शुरू हो जाए आ जाएंगे, और अप्रैल के फर्स्ट वीक में मेरे हिसाब से जितने भी यूनिवर्सिटीज है सभी में आपके परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। अप्रैल अप्रैल और 15 मई तक जो है वो आपके एग्जाम समाप्त हो जाने चाहिए। 15 मई तक तो एग्जाम, जैसे 15 मई तक लगभग सलट जाते हैं, जैसे एक आध पेपर होता है, जैसे मान लो अभी जेएनयू की बात करें, जेएनयू में जैसे मान लो जून में भी है कई पेपर, एक दो पेपर जून में भी है, तो वो अलग बात है, लेकिन जैसे मान लो जैसे मोस्टली जो पेपर्स हैं वो 15 मई तक सलट जाना चाहिए। अब जैसे मान लो कोई कारणवश या कोई टेक्निकल इश्यूज के कारण अगर कोई मान लो आगे बढ़ जाता है तो बात अलग है, बाकी आपके टाइम टेबल है वो जेएनयू का आ गया है। आप अपने जैसे मान लो आपके प्रवेश पत्र नहीं आए हो सकता है नहीं आए हैं, लेकिन आप अपडेट रहें, आप तैयारी करें। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, जय भारत।